जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से पहले मैंने आपको कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि आपने ओरेकल ई बिजनेस का इंस्टेंस कैसे लेना है और ओरेकल ई बिजनेस के ऊपर अपना इम्प्लीमेंटेशन यूज़र कैसे क्रिएट करना है। अब हम जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, उसको समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन किसी भी कंपनी की कैसे होगी। आज के लेक्चर के अंदर जो है ना थोड़ा सा मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन मैथडोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन की अप्रोच, ई बिज़नेस का स्ट्रक्चर, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की कंसिडरेशन और फ्लैक्स फील्ड के बारे में डिस्कस करने लगा। तो चलिए फिर हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले हैं हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी। देखिए नॉर्मली क्या है कि जब हम लोग ओरेकल के ऊपर काम करते हैं तो हमने किसी भी कंपनी के साथ ओरेकल की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है तो इम्प्लीमेंटेशन के कौन कौन से फेजेज़ होंगे, कौन कौन से स्टेप्स होंगे और कौन कौन सा लाइन ऑफ एक्शन जो है ना वो हम लोग चूज़ करेंगे, उसके लिए ओरेकल वाले ने फ्रेमवर्क दिया हुआ है। उस फ्रेमवर्क को कहते हैं ओरेकल की इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी। अच्छा, अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाएं तो मार्केट के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी चल रही थी वो थी एम्स करके थी, एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी। तो एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी में क्या था, इसके स्टेप्स थे, प्रोसेसेस थे और उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवरेबल थे जिसके टैम्पलेट ओरेकल वाले प्रोवाइड करते थे। आप ये कहने के ये ओल्ड मेथडोलॉजी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बट कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है एप्लीकेशन की, उसमें कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डिलीवरेबल्स होने चाहिए, वो सारे के सारे जो है ना वो इसके अंदर थे। उसके बाद जो है इसको इम्प्रूव करके ओरेकल वाले जो हैं ओरेकल एप्लीकेशन के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी लेके आए वो थे ABF, एम्स फॉर बिजनेस फ्लोज। एम फॉर बिजनेस फ्लो जो है ना वो काफ़ी अर्से तक चलती रही और उसके बाद जो लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी जो इस वक्त मेनली चल रही है ओरेकल की साइड से, चाहे कोई आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है या आपने डेवलपमेंट करनी है फॉर ओरेकल की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ओरेकल वाले जो मेथडोलॉजी प्रोवाइड की है दैट इज़ कॉल्ड ओरेकल यूनिफाइड मेथडोलॉजी, जिसको हम कहते हैं OUM। तो बेसिकली तीन मेथडोलॉजीज हैं, जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपने अपनी मेथडोलॉजीज़ को डिसाइड करना है कि आपकी कौन सी मेथडोलॉजी होगी। तो लेटेस्ट मेथडोलॉजी जो सी आपकी चल रही है ओरेकल यूनिफाइड मेथडोलॉजी चल रही है। हमारा इस वक्त टॉपिक मेथडोलॉजी को डिटेल से डिस्कस करना नहीं है, लेकिन मैंने आपको जस्ट हाईलाइटेड आइडिया दे दिया, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपने एक इम्प्लीमेंटेशन को मेथडोलॉजी को चूज़ करना है जिसमें वो आपको बताएगा कि आपने कौन सा लाइन ऑफ एक्शन लेना है, कौन कौन से डिलीवरेबल्स लेने हैं, कौन कौन से फेजेस होंगे और कौन कौन से मेजर टास्क आपको परफॉर्म करने हैं। मैंने आपको जस्ट हाईलाइटेड आइडिया दे दिया इसका, ठीक है। उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी को डिसाइड कर लेंगे, उस मेथडोलॉजी के अंदर आपने अपनी इम्प्लीमेंटेशन की अप्रोच चूज़ करनी है। तो बेसिकली एक अप्रोच होती है रिक्वायरमेंट ड्रिवन अप्रोच और दूसरी होती है सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच। तो रिक्वायरमेंट ड्रिवन अप्रोच से क्या मुराद है कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन की डायरेक्शन होगी वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस करेगी। आप अपना प्रोजेक्ट यूज़र की रिक्वायरमेंट लेने से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हमारे पास एक और जो मेथडोलॉजी है दैट इज़ का सॉल्यूशन ड्रिवन मेथडोलॉजी। सॉल्यूशन ड्रिवन मेथडोलॉजी के आप इसमें फोकस कोर बेसिक रिक्वायरमेंट पे नहीं करेंगे, क्योंकि ओरेकल का सॉल्यूशन एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस कर रहा है। तो आप अपना एक सॉल्यूशन डिज़ाइन करेंगे जो है ना कस्टमर के बिजनेस के ऊपर, और उस सॉल्यूशन के ऊपर अपने कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और उसी सॉल्यूशन के ऊपर अगर कोई जो थोड़े बहुत गैप्स हैं उसको कैप्चर करके तो आप अपनी सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। तो मैं जो है ज़्यादातर रिकमेंडेड मेथड अप्रोच जो है इम्प्लीमेंटेशन की, और मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच करता हूँ। हाँ, बट दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली अगर IT के कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं तो वो रिक्वायरमेंट ड्रिवन ही चलेंगे, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के या ई बिजनेस या फ्यूजन या कोई और जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से रिलेटेड है तो आपके पास सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच ही बेस्ट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आपको कौन सी अप्रोच चूज़ करनी है जब आपने अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है। अच्छा, जब आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे आपको समझना है कि आपके ई बिजनेस के अंदर हमें ये समझना है कि हमारे पास ई बिजनेस के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। सबसे पहले जब हमने कस्टमर के बिजनेस को समझना है आपको ये समझना है कि आपको दो तरह के स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करने हैं। एक डाटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जो कि आपकी डाटे की सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम लोग बिजनेस ग्रुप क्रिएट करेंगे, लीगल एंटिटीज़ क्रिएट करेंगे, ऑपरेटिंग यूनिट क्रिएट करेंगे, इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करेंगे। ये मैं आपको सारे के सारे आगे जाके बताऊँगा, लेकिन आपने समझना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये डाटे को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है,
और उसके अलावा हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कि आपने किस तरीके से बिजनेस से रिपोर्ट्स लेनी है। अब रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास जो है ना वो बेसिकली की फ्लैक्सिल और डिस्क्रिप्टिव फ्लैक्सिल्स के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, कि आपने अगर अपने सिस्टम के अंदर कोई रिपोर्ट्स बनानी है, रिपोर्ट्स की इन्हेंसमेंट्स करनी है, उसके लिए हम लोग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा कि आपने किस तरीके से किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट लेनी है और उसका किस तरीके से आपने रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये समझें कि दो मेजर तरह के जो है वो आपके स्ट्रक्चर होंगे, जब आप सिस्टम को, जब आप रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं, जब आप अपनी डायरेक्शन बना रहे हैं, जब आपने किसी कंपनी की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है तो आपने ये चीज़ों को कंसीडर करके अपनी इम्प्लीमेंटेशन को करना है। सबसे पहले आपने इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो मेथोडोलॉजी को देखना है, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन को अप्रोच को देखना है, इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजीज के अंदर आपने देखना है आपने क्या क्या डिलीवर करना है, फिर आपने रिक्वायरमेंट के ऊपर जब आना है, बिजनेस को समझने के ऊपर आना है, तो जब आपने इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना है, तो ये आपको डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा और उसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें बिजनेस ग्रुप क्रिएट करेंगे, लीगल एंटिटीज क्रिएट करेंगे, ऑपरेटिंग यूनिट्स क्रिएट करेंगे और इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे। और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के लिए आप लोग मेनली की फ्लैक्सफील्ड और समटाइम डिस्क्रिप्टिव फ्लैक्सफील्ड को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जब आपने कंसीडरेशन करनी है, तो आपको एक चीज़ बड़ी खास तौर पर ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन करने लगे हैं, तो आपके पास एक होता है बिजनेस मॉडल स्ट्रक्चर, जो कि आपका बेसिकली फ्लैक्सफील्ड का या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। तो बेसिकली जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक दफ़ा आप बना लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, तो दैट शुड नॉट बी चेंज। एक्चुअली आप ये समझ लें दैट इज़ नॉट चेंजेबल। लाइक अगर आपने अपना एक इम्प्लीमेंटेशन किया, उसमें आपने फाइनेंशियल फ्लैक्स फील्ड का एक स्ट्रक्चर बना लिया, तो वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको चीज़ें में रखनी है, हाँ। लेकिन आपका चूंकि बिजनेस जब आप कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर प्रोसेसेस जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, प्रोसेसेस इंप्रूव हो सकते हैं, तो बिजनेस प्रोसेसेस जो है ना वो आगे जाके चेंज हो सकते हैं। बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर चेंजेस की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, और बट स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो आपको स्ट्रक्चर को फ्रीज करना है। और जब आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, आपने कम से कम उसकी करंट रिक्वायरमेंट और नेक्स्ट 10 ईयर्स की रिक्वायरमेंट देखनी है। सारी मैं आपको अच्छे तरीके से आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, जब आपने स्ट्रक्चर बनाना है, उसके उसमें जो है ना आपको फ्लैक्स फील्ड्स बनानी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको कर लूँ। जब हमने स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर जब हमने बनाना है, तो हमने फ्लैक्स फील्ड्स बनानी है। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसमें हमारे पास फ्लैक्स फील्ड होंगी। तो आप थोड़ा सा आपको ये समझना है कि फ्लैक्स फील्ड क्या होती है। तो फ्लैक्स फील्ड जो है ना, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरेकल के अंदर जो है ना, जी, जब हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, खासतौर पे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें हम लोग फ्लैक्स फील्ड बनाएंगे। अच्छा, ओरेकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना वो फ्लैक्स फील्ड हैं, जो कि हमें कॉन्फ़िगर करनी होती हैं। जैसे आप ये देखें, आप ज़रा समझने की कोशिश करें कि जब आप ओरेकल पे काम कर रहे हैं ना, तो ओरेकल के ऊपर आपके पास दो तरह की जो है ना वो फ्लैक्स फील्ड होती हैं। हाँ, जब आप ओरेकल में रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, तो दो तरह की फ्लैक्स फील्ड होंगी। एक फ्लैक्स फील्ड होती है की फ्लैक्स फील्ड, और एक होती है डिस्क्रिप्टिव फ्लैक्स फील्ड। की फ्लैक्स फील्ड जो है ना वो बेसिकली वो की फ्लैक्स फील्ड आपकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाजमी होती है। जब भी आपने किसी मॉड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो वो फ्लैक्स फील्ड आपने लाजमी कन्फिगर करनी है। ये आपको थोड़ा सा समझना है। और डिस्क्रिप्टिव फ्लैक्स फील्ड जो है ना, वो किसी सर्टन स्क्रीन के ऊपर कुछ नए कॉलम्स ऐड करने के लिए होती है। थोड़ा सा हम फ्लैक्स फील्ड को इस वक्त जान लेते हैं कि फ्लैक्स फील्ड क्या होता है। फ्लैक्स फील्ड बेसिकली फ्लैक्सीबल फील्ड्स हैं। फ्लैक्सीबल फील्ड से क्या मतलब है कि आपके पास, आप जो है ना अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, ऑन सम सर्टन इवेंट्स फ्लैक्सीबल फील्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक अगर आप फंक्शनल इम्प्लीमेंटर हैं, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं विदाउट एनी डेटाबेस के ऊपर, एनी बैकएंड चेंजेस के बगैर, आप अपना सेटअप को की फ्लैक्स फील्ड के थ्रू जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा की फ्लैक्स फील्ड कॉम्प्लिकेटेड है,
थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है, लेकिन यह कि आप जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब अगर हम जाएँ ओरेकल के अंदर जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया की फ्लैक्स फील्ड होती हैं और डिस्क्रिप्टिव फ्लैक्स फील्ड होती हैं। अब की फ्लैक्स फील्ड को अगर आप देखें तो हमारे पास ओरेकल फाइनेंशियल्स के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो की फ्लैक्स फील्ड है, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग फ्लैक्स फील्ड। जब हम ओरेकल फाइनेंशियल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो हमें ये फ्लैक्स फील्ड्स को लाजमी कन्फिगर करना है, जिसमें से अकाउंटिंग फ्लैक्स फील्ड होगी, एसेट कैटेगरी फ्लैक्स फील्ड होगी, एसेट लोकेशन फ्लैक्स फील्ड होगी और एसेट की फ्लैक्स फील्ड होगी। ये फ्लैक्स फील्ड हमें ओरेकल फाइनेंशियल की इंप्लीमेंटेशन के वक्त लाजमी कन्फिगर करनी है। उसके बाद हमें जो है अगर हम ओरेकल ह्यूमन रिसोर्स का मॉड्यूल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए जॉब की फ्लैक्स फील्ड है, पोजीशन की फ्लैक्स फील्ड है, ग्रेड की है, कॉम्पिटेंसी की है, पर्सनल की है, पर्सनल एनालिसिस की है और कॉस्ट एलोकेशन की फ्लैक्स फील्ड है। ये HRMS की नहीं। और अगर आप सप्लाई चेन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इन्वेंट्री को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास जो है ना सिस्टम आइटम्स, आइटम कैटेगरीज, आइटम कैटलॉग्स एज वेल एज जो है ना स्टॉक लोकेटर जो है, ये फ्लैक्स फील्ड आपको सिस्टम के अंदर कन्फिगर करनी लाजमी है। तो ये कुछ फ्लैक्स फील्ड हैं, इंपॉर्टेंट फ्लैक्स फील्ड जो आपको कन्फिगर करनी लाजमी है इंप्लीमेंटेशन के थ्रू। अब मैं थोड़ा सा आपको फ्लैक्स फील्ड को एक्सप्लेन कर दूँ। लाइक ये देखें, ये अकाउंटिंग फ्लैक्स फील्ड है। सब अगर आपने अकाउंटिंग फ्लैक्स फील्ड क्रिएट करनी है तो बेस्ड ऑन कंपनी की बिजनेस नीड्स, इसके अंदर फ्लैक्स फील्ड के अंदर जो है ना वो सेगमेंट्स होते हैं। जब हम फ्लैक्स शील्ड बनाएंगे, मैं आपको भी बनाकर दिखाता हूँ, जब आप फ्लैक्स शील्ड बनाएंगे तो आप बिजनेस को समझते हुए, उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को समझते हुए एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, जिसको हम लोग फ्लैक्स शील्ड बोलते हैं। अच्छा, फ्लैक्स शील्ड में आपके पास कॉलम्स होंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्सेल में कॉलम्स होते हैं, लाइक आपके पास टेबल्स में कॉलम होते हैं, इस तरीके से फ्लैक्स शील्ड में आपके पास कॉलम्स होंगे। कॉलम्स आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, इन कॉलम्स को बोलते हैं हम लोग सेगमेंट्स। लाइक ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 सेगमेंट्स हैं, उसको हम 5 सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं या हम लोग इसको कॉलम्स भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली अगर हमने अकाउंटिंग की फ्लैक्स शील्ड बनानी है, उसके 5 सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और अप टू 30 सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको समझना, फ्लैक्स फील्ड मीन फ्लैक्सीबल फील्ड्स, फ्लेक्सिबल फील्ड्स मीन जो फंक्शनल कंसल्टेंट है बिजनेस को समझते हुए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को समझते हुए वो फ्लैक्स फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो फ्लैक्स फील्ड के अंदर क्या होगा, उसके सेगमेंट्स होंगे। सेगमेंट्स मीन उसके कॉलम्स, जो हम लोग एक टेबल की अगर डेफिनेशन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लैक्स फील्ड एक टेबल होगा, जो कि एक लॉजिकल टेबल होगा, और अगर उस लॉजिकल के अंदर, टेबल के अंदर लॉजिकल कॉलम्स होंगे। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन अगर आप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसको हम लोग फ्लैक्स फील्ड कहेंगे और फ्लैक्स फील्ड के अंदर ये हमारे सेगमेंट्स होंगे। अच्छा, आप सेगमेंट्स के अंदर नॉर्मली अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर आप टेबल की डाटा टाइप देते हैं, इसी तरीके से आप इसके अंदर वैल्यू सेट क्रिएट करते हैं, वैल्यू सेट ऐड करते हैं। तो हर कॉलम के साथ, हर फील्ड के साथ आपकी वैल्यू सेट होगी। ठीक है, वैल्यू सेट मीन आप समझ लें कि उसकी डाटा टाइप या उसके डाटा की वैलिडेशन के लिए आप वैल्यू सेट क्रिएट करेंगे। तो हर जो सा है सेगमेंट के साथ उसकी वैल्यू सेट होगी, और ये वैल्यू सेट शेयर भी हो सकती है बिटवीन टू सेगमेंट्स, वो मैं आपको बताऊंगा, हम लोग फर्दर देखेंगे। अब जब आप फ्लैक्स फील्ड क्रिएट करेंगे, जो कि आपका एक लॉजिकल टेबल है, उस फ्लैक्स फील्ड के अंदर आप कॉलम्स क्रिएट करेंगे जो कि आपके सेगमेंट्स हैं, और उन कॉलम्स के साथ आप डाटा टाइप समझे अटैच करेंगे जो कि आपकी वैल्यू सेट है, और उसकी वैल्यू सेट के अंदर आप डाटा देंगे, जिसको हम लोग वैल्यूज बोलते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी जो है ना एक फ्लैक्स फील्ड बनेगी। हाँ, मुझे पता है फ्लैक्स फील्ड का कॉन्सेप्ट इनिशियली मुश्किल है, समझ नहीं आता, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझेंगे। बट आपको ये समझना है कि पूरे ERP की सेटअप की इम्प्लीमेंटेशन की जान है, सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर जो है ना वो फ्लैक्स फील्ड के ऊपर बेस कर रहा होगा। तो और ये चेंजेबल नहीं होता बाद में, जब आपका सिस्टम लाइव हो जाता है, जब आपका काम शुरू हो जाता है, तो इसका फ्लैक्स, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब आपके पास ये एक फ्लैक्स फील्ड बन जाएगी, जब यूज़र इसकी ट्रांजेक्शन्स करेगा अपने पास सिस्टम के अंदर, तो वो इसके कोड कॉम्बिनेशन बिल्ड करेगा, जिसमें 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट 4 सेगमेंट और 5 सेगमेंट, इन सारे के सारे सेगमेंट से जो है ना वो डाटा लेगा। ठीक है, तो आज हम लोग फ्लैक्स फील्ड को समझेंगे, मैं फ्लैक्स फील्ड आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ और फिर हम चलते हैं। आई नो आई कैन अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फ्लैक्स फील्ड का कॉन्सेप्ट, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका पहले ओरेकल बिजनेस के ऊपर या फ्यूजन के ऊपर काम करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट होपफुली आपको समझ आ जाएगी। बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, मैं आपको जो है ना फर्दर उसके ऊपर मोर डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए फिर अब हम लोग सिस्टम की तरफ जाके सिस्टम के ऊपर अपनी फ्लैक्स फील्ड क्रिएट करते हैं।
कि हम लोग सप्लाई चेन की जो है ना वो फ्लैक्स फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली चार इंपॉर्टेंट जो है ना फ्लैक्स फील्ड हैं जो कि हम लोगों ने क्रिएट करनी है। एक तो सिस्टम आइटम्स है, एक आइटम कैटेगरीज है, एक कैटलॉग्स है और एक स्टॉक लोकेटर्स है। ये बेसिकली जो है ना इन्वेंट्री की फ्लैक्स फील्ड है जिसके ऊपर जो है ना हम लोग सबसे पहले फ्लैक्स फील्ड्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ना अपना बिजनेस स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो मैंने सप्लाई चेन का इम्प्लीमेंटेशन का यूज़र क्रिएट किया था SCM करके, और उसका पासवर्ड मैंने रखा था ये। अब मैं इसे लॉगिन करता हूँ। जैसे मैं सप्लाई चेन के यूज़र से लॉगिन करूँगा तो मुझे ये जो है ना सप्लाई चेन की सारी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखा रहा है। मैंने अगर अपनी फ्लैक्स फील्ड्स क्रिएट करनी है तो मैं इन्वेंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से भी जाकर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, इन्वेंट्री में जाकर सेटअप में से, या फिर मैं जो है ना अपना क्या कहते हैं फ्लैक्स फील्ड में जाकर इधर से भी क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जाऊँ तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में मेरे पास एप्लीकेशन में जाऊँगा तो इधर भी मेरे पास फ्लैक्स फील्ड है। अगर इधर से मैं फ्लैक्स फील्ड पे क्लिक करके की पे जाऊं तो इधर से भी मैं फ्लैक्स फील्ड क्रिएट कर सकता हूं, या अगर मैंने अपने उस मॉड्यूल में जाना है, उस स्पेसिफिक मॉड्यूल में जाना है लाइक इन्वेंट्री के अंदर, तो इन्वेंट्री के अंदर सेटअप के अंदर जो है ना वो फ्लैक्स फील्ड के अंदर अगर की में जाऊँगा तो ये भी सेगमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ से भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा ये मेरी एप्लीकेशन को जावा में खोल देगा, ठीक है, और जावा में खोलने के बाद जो है मैं अपनी जो है वो फ्लैक्स फील्ड्स क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। फ्लैक्स फील्ड के बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि फ्लैक्स फील्ड जो है ना एक लॉजिकल टेबल है जिसमें सर्टन कॉलम्स होते हैं। अब मैंने इधर से फ्लैक्स फील्ड का स्ट्रक्चर सर्च करना है, क्योंकि देखें एप्लीकेशन और उसका फ्लैक्स फील्ड का टाइटल जो होता है ना की फ्लैक्स फील्ड तो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, उसके अंदर आपने अपनी फ्लैक्स फील्ड जो है ना वो क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले जो है ना मैं या तो इधर से फाइंड कर सकता हूँ, या मैं अगर मैंने इधर से फाइंड करना है फाइंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो इधर मैं आके फॉर एग्जाम्पल चूज़ करता हूँ इन्वेंट्री। अब देखिए इन्वेंट्री के अंदर जो है ना इम्पोर्ट सारे की सारी जो है ना वो फ्लैक्स फील्ड इधर से मुझे दिखा रहा है। इसमें सेल्स ऑर्डर की फ्लैक्स फील्ड भी है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम सिस्टम आइटम, आइटम कैटेगरीज, आइटम कैटलॉग एज वेल एज स्टॉक लोकेटर की जो है ना वो फ्लैक्स फील्ड को देखते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल सिस्टम आइटम से। सिस्टम आइटम जो है ना बेसिकली जो आपका आइटम का कोड होगा ना ये उसके ऊपर बेस करता होगा। कुछ कंपनीज का जो सिस्टम आइटम का कोड वन होता है, किसी का मल्टीपल होता है। मैं आपको बताता हूँ इसके सिस्टम आइटम्स के कोड से क्या मुराद है। इसको मैं अनफ्रीज करके इसमें जाके मैं अपने सेगमेंट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं अपनी जो है ना एक सेपरेट से फ्लैक्स फील्ड क्रिएट कर सकता हूँ सिस्टम आइटम की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक सेपरेट से फ्लैक्स फील्ड क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सर्च किया था। दूसरा वे ये है कि मैं अगर इधर आऊँ F11 करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर F11 किया, इन्वेंट्री को करके मैंने कंट्रोल F11 किया, ये इन्वेंट्री की जो है ना वो सारी फ्लैक्स फील्ड्स मुझे दिखा रहा है। अच्छा अगर मैं डाउन एरो करता जाऊँ, डाउन एरो करता जाऊँ, डाउन एरो करता जाऊँ तो ये मुझे दूसरी फ्लैक्स फील्ड दिखाता जाएगा। अच्छा दोबारा मैं अगर अप करता हूँ तो ये मुझे फ्लैक्स फील्ड दिखा रहा है। तो इसमें मेरे पास, मैं सबसे पहले सिस्टम आइटम्स में जाता हूँ। अब सिस्टम आइटम्स में अगर मैं गया हूँ तो सिस्टम आइटम्स में से जाके जो है ना ये मेरे पास एक फ्लैक्स फील्ड आ रही है। इस फ्लैक्स फील्ड को अगर मैंने चेंज करना है, ठीक है, जैसे देखें आप अगर दूसरी किसी और फ्लैक्स फील्ड में जाते हैं ना स्टॉक लोकेटर, आप इधर से अपनी जो है ना वो रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल सिस्टम में गया, इधर मैं गया फ्लैक्स फील्ड में गया, की में गया, सेगमेंट्स में गया, इधर जाके मैंने इन्वेंट्री किया, कंट्रोल F11 किया, ये मेरे पास आ गई। इधर से जाके मैं आइटम कैटेगरीज में गया और मैं सिस्टम आइटम्स में गया। इस सिस्टम आइटम्स की जो है ना वो एक पहले से फ्लैक्स फील्ड बनी हुई है। इस फ्लैक्स फील्ड को मैं अनफ्रीज कर सकता हूँ। अनफ्रीज करने के बाद मैं इसके सेगमेंट में जाऊँगा तो इसमें इसके सेगमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा इसका एक बाई डिफ़ॉल्ट सेगमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है जो है ना सिस्टम आइटम्स का। अगर आप चाह रहे हैं कि सिस्टम आइटम्स की फ्लैक्स फील्ड के अंदर और भी जो है ना वो आपने सेगमेंट्स ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसको आप चेंज करके आइटम कोड कर सकते हैं कि इसमें आइटम के बारे में जो है ना वो कोड होगा। अब कोड के अंदर अगर आप कहते हैं भाई मैंने दो तीन सेगमेंट रखने हैं आइटम के अंदर या आइटम के कोड के अंदर, वो आप अपने दो तीन सेगमेंट्स इधर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कलर, ठीक है, सेगमेंट टू कर दिया मैंने, ठीक है, सेगमेंट टू मैंने कलर के लिए कर दिया। फिर मैं इधर गया फॉर एग्जांपल साइज़ कर दिया, ठीक है,
सेगमेंट थ्री कर दिया। इस तरीके से मैं फॉर एग्जांपल एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स जो है ना, या सेगमेंट्स या कॉलम्स अपने फ्लैक्स फील्ड में क्रिएट कर सकता हूँ। अब उसके साथ मैं वैल्यू सेट भी क्रिएट कर सकता हूँ, या तो मैं इसको ब्लैंक रहने दूँ ताकि वो सिस्टम जो है ना आइटम कोड बाई डिफ़ॉल्ट उस वक्त लिख ले जब उसने टाइप करना है, या अगर मैंने इसके साथ कोई वैल्यू सेट अटैच करनी है जिसके अंदर मैं वैल्यू दे दूँ जिसमें से मैं चाहता हूँ यूज़र सेलेक्ट कर ले, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इन दोनों को ख़त्म कर देता हूँ। जैसे तो जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया बिकॉज बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट आप लोगों ने चूज़ करना है। ठीक है, तो कि कितने आपके सेगमेंट्स होने चाहिए। अभी हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट एक को ही रख के आगे चलते हैं। इसको मैंने जाके इसको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ। जब मैं इसको फ्रीज़ करूँगा तो इसके बाद इसके अंदर चेंजेस अलाउड नहीं होते। जब कोई भी फ्लैक्स फील्ड के ऊपर आपने कोई भी चेंजेस करनी है उसके बाद आप उसको फ्रीज़ करें। ये तो होगी हमारी सिस्टम आइटम्स। सिस्टम आइटम्स के बाद जो है मेरे पास एक और फ्लैक्स फील्ड फॉर एग्जाम्पल है आइटम कैटेगरीज़ की। ठीक है, आइटम कैटेगरीज़ में जाता हूँ मैं। इसमें जो है ना हर मॉड्यूल की आइटम कैटेगरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो आपके पास होगा, लेकिन ये वाली जो फ्लैक्स फील्ड है ना आइटम कैटेगरीज़, इसके ऊपर जाके अगर मैंने अपनी आइटम्स की कैटेगरीज़ बनानी है, कैटेगरीज़ की फ्लैक्स फील्ड चूज़ करनी है, उसमें मैंने सेगमेंट्स रखने हैं, तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्रीज़ फ्लैक्स फील्ड डेफिनेशन के ऊपर क्लिक करके इसको अनफ्रीज़ कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं सेगमेंट्स में जाता हूँ। इधर मैं फॉर एग्जाम्पल आइटम की कैटेगरीज डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया जी मेजर कैटेगरी। ठीक है, मेजर या आप कह सकते हैं मेन आइटम्स की जो हाई लेवल कैटेगरीज होंगी वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया सब आइटम्स। सब आइटम्स करके जो था ना वो मैंने दो लेवल के ऊपर मैंने कैटेगरीज क्रिएट कर दी। ठीक है, तो कैटेगरीज के अंदर जो था ना आप बेस्ड ऑन द आइटम कैटेगराइजेशन आप उसको एनालिसिस करके तो आप उसकी कैटेगरीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब वैल्यू सेट जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैल्यू सेट क्या चीज़ है। वैल्यू सेट आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं जो कि इसके अंदर एक तो वैलिडेशन क्रिएट करेगा, दूसरा है कि इसके अंदर आप सर्टेन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसमें उसकी लिस्ट जो है ना वो आपकी अवेलेबल होगी और वो लिस्ट आप दूसरी किसी और जगह पर भी शेयर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर वैल्यू सेट पे गया, मैंने वैल्यू सेट क्रिएट करना है। मैंने वैल्यू सेट का नाम रख दिया आइटम कैटेगरी मेन। ठीक है, अब इसके मेन कैटेगरी मैंने के अंदर तीन डिजिट्स रख दी। अब देखिए ये जो वैल्यू सेट है ना इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आप वैल्यू सेट का नाम देंगे, उसके बाद वैल्यू सेट की डिस्क्रिप्शन देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, और उसके बाद आपने देखना है कि इसकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ किस तरीके से खुलेगी। आप जब ये खुले, जब यूज़र इसको खोलेगा तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आए, लॉन्ग लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आए या पॉप लिस्ट आए। बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, मैं अभी इसको लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ रहने देता हूँ। अगर आपने कैटेगरी के ऊपर सिक्योरिटी लगानी है तो आप सर्टन सिक्योरिटी लगा सकते हैं। इधर से आप बता सकते हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी। इसमें आपने करेक्टर स्टोर करना है, डेट स्टोर करनी है, न्यूमेरिक स्टोर करना है, स्टैंडर्ड डेट एंड टाइम स्टोर करना है या टाइम स्टोर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अभी चार था तो मैंने चार ही रखा है। और इसका मैक्सिमम कितने डिजिट्स इसके अंदर अलाउ करे, उसके बाद इसमें न्यूमेरिक अलाउ करे या ना करे, और उसके बाद अपर केस हो या लोअर केस हो और फिल ज़ीरो, ये सारी की सारी जो है ना वो आप चीज़ें इसमें से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मेन कैटेगरी चूज़ कर ली। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। अब उसके बाद मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैंने एक और कैटेगरी क्रिएट करनी है, एक और मैंने वैल्यू सेट क्रिएट करना है सब आइटम्स का। ठीक है, तो क्या है, मैं इधर से आया आइटम कैटेगरी सब आइटम्स। ठीक है, ये मेरी सेकेंड लेवल की कैटेगरी हो गई। अच्छा, अब देखें ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को मैंने इसी तरीके से चूज़ कर लिया, सिक्योरिटी भी मैंने इधर इसी तरीके से दिया। अब क्या है कि फॉर्मेट टाइप के अंदर मैंने इसको करैक्टर रखना है, चार्ट डेट ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने करैक्टर ही रखा है, इसमें नंबर हो करैक्टर हो मैंने सिर्फ नंबर इसको अलाउ किया, और कितने हों जी मैंने तीन डिजिट कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद देखें इधर आ रहा है आइटम वैलिडेशन टाइप। वैलिडेशन टाइप में आप इसको इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं और डिपेंडेंट भी कर सकते हैं। डिपेंडेंट से क्या बना देगा, दूसरे कॉलम की वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड कर जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने मेन कैटेगरी थी उसको मैंने इंडिपेंडेंट रखा था, अब डिपेंडेंट इसकी मैं बना देता हूँ, और जब मैं इसको डिपेंडेंट बनाता हूँ तो मैं मुझे इसकी इसको बताना है कि मैं किसके ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने डिपेंडेंट बनाने के लिए इसके बाद एडिट इन्फॉर्मेशन में गया, और इधर से मैं जो है ना जिसके ऊपर वैल्यू सेट के ऊपर मैंने इसको डिपेंड करना है उसका नाम दे दिया। ठीक है, उसका नाम मेरे पास क्या था, आइटम कैटेगरी मेन, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं इधर से चूज़ कर लूँगा, और मैं इसको कहता हूँ डिफ़ॉल्ट कैटेगरी। मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू और डिफ़ॉल्ट कैटेगरी जो है ना इसकी चूज़ कर ली है,
कि जब भी उसकी मेन कैटेगरी बनेगी और उसकी सब कैटेगरी जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिफ़ॉल्ट कैटेगरी उसके अंदर ऐड कर दी। इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये एक जो कैटेगरी मैंने बनाई है ये मैंने डिपेंडेंट कैटेगरी बनाई है। इस तरीके से मैं इस पर आता हूँ। अब ये जो है ना मैंने बना दी है आइटम कैटेगरीज। ठीक है, आइटम कैटेगरीज की मेरी फ्लैक्स फील्ड मुकम्मल हो गई है। तो फ्लैक्स फील्ड को मुकम्मल करने के बाद मैंने इसको इंसर्ट करना है तो कर सकता हूँ, लेकिन इधर अलाउ नहीं करता। उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ कर देता हूँ। तो ये मेरी आइटम कैटेगरीज की जो है वो फ्लैक्स फील्ड बन गई है और मुकम्मल हो गई है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, आइटम कैटलॉग्स की फ्लैक्स फील्ड के ऊपर जाके उसको क्रिएट कर लेता हूँ, उसको देख लेता हूँ। आइटम कैटलॉग्स पे मैं गया, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक सेगमेंट है, इसको मैं कुछ भी नहीं करता, इसको मैं इसी तरीके से रहने देता हूँ। क्योंकि मैं इधर से आप अपनी आइटम्स का कैटलॉग भी बना सकते हैं। ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगा कि आपने इनको सेटअप में कहाँ पर यूज़ करना। अब एक और फ्लैक्स फील्ड है स्टॉक लोकेटर्स की, ये आपने जब अपने स्टॉक लोकेटर करने हैं उससे रिलेटेड जो है ना वो आपने फ्लैक्स फील्ड बनानी है। ये स्टॉक लोकेटर क्या होता है, ये कैसे बनेगा, ये मैं आपको आगे जाकर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ ये कि हम लोग चलें, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि फ्लैक्स फील्ड्स किस तरीके से क्रिएट करनी है। आप बेशक अभी फ्लैक्स फील्ड डिफाइन करें या ना करें, लेकिन आगे जाकर जो है ना वो फिर आप उसको मैच कर सकते हैं। अब स्टॉक लोकेटर की फ्लैक्स फील्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको मैंने अनफ्रीज किया। जब मैं इसको अनफ्रीज करके इसके सेगमेंट्स में आता हूँ, इसमें कोई भी सेगमेंट्स नहीं है, तो मैं इसके अंदर जो है ना फॉर एग्जांपल रो, ठीक है, इसका मैंने सेगमेंट का नाम रख दिया है, अच्छा रैक कर दिया है फॉर एग्जांपल, और उसके बाद मैंने दूसरे सेगमेंट का नाम रख दिया है रैक, और इसका मैंने शेल्फ रख दिया, ठीक है। क्योंकि या मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट नंबर पे शेल्फ रखता हूँ, दूसरे नंबर पे रैक रखता हूँ, रैक कर दिया, इसको करता हूँ शेल्फ। अच्छा दो नहीं हो सकते, मैं इधर से जाके करता हूँ, सबसे पहले कर दिया शेल्फ कर दिया सेगमेंट वन के ऊपर, और उसके बाद मैंने रैक कर दिया सेगमेंट टू के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद मैंने सेगमेंट थ्री के ऊपर फॉर एग्जांपल बिन कर दिया। तो ये तीन जो है ना वो मैंने उसके अंदर सेगमेंट्स क्रिएट कर लिए। अब अगर इसके भी मैंने वैल्यू सेट क्रिएट करने हैं तो मैं वैल्यू सेट क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं फिर जो है ना वो उसको वैल्यू सेट के बगैर इसी तरीके से शो कर लेता हूँ। लेकिन मैं वैल्यू सेट क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं इसका वैल्यू सेट का नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल रैक, इसको तीन क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैंने शेल्फ कर लिया एक, और इसको मैंने तीन डिजिट कर दिया, और उसके बाद मैंने एक बिन का बना दिया, इसको तीन डिजिट कर दिया। तो ये मैंने जो है ना तीन बना लिए वैल्यू सेट्स, और इनको मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ शेल्फ का, और उसके बाद मैंने इधर से किया है रैक का, और उसके बाद मैंने इधर से बिन का कर दिया। ये मैंने जो है ना वो इसकी एक फ्लैक्स क्रिएट कर ली स्टॉक लोकेटर की। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है ना वो लोकेटर वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको फ्लैक्स फील्ड्स का जो है ना वो थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अगर आपको फ्लैक्स फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और जो है ना अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है ना फर्दर मैं आपको बिजनेस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।